शाहिद अफरीदी अपनी फाउंडेशन के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में राशन तकसीम कर रहे हैं। बशीर ने राशन तकसीम करने की तकरीब में आवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा, बलूचिस्तान से कोई खिलाड़ी अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा इसलिए नहीं बना है क्योंकि यहां पर क्रिकेट अकेडमी और दीगर सहूलियात की कमी है। अभी तक बलूचिस्तान में से क्रिकेटर क्यों नहीं आए पाकिस्तान टीम में? बहुत कम है, नजर नहीं आए, सुनने में नहीं आए, क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि यहाँ पे क्रिकेट का कोई ध्यान ही नहीं है, यहाँ पे कोई क्रिकेट अकेडमी नहीं है, यहाँ के बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी ही नहीं है इतने बड़े सूबे के अंदर। शाहिद अफरीदी ने बलूचिस्तान के आवाम से वादा किया है कि वो खुद बलूचिस्तान की ये अकेडमी बनवाएंगे। यहाँ पे इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक रहे, बलूचिस्तान के लोगों से मेरा आना जाना रहे, मैं यहाँ पे कराची से आता रहूँ। उसके लिए मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेटा के अंदर कोई एक बॉडी क्रिकेट अकेडमी होनी चाहिए और यहाँ पे भी एक क्रिकेट ग्राउंड जिस तरह डीसी साहब ने कहा है, मैं खुद आप लोगों के लिए चलाऊंगा यहाँ के बच्चों को। इंशाल्लाह मेरा वादा है और वादा भी पठानों वाला वादा है कि इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। शाहिद अफरीदी का मजीद कहना था कि मैं सिर्फ कराची या पिशावर का नहीं हूँ बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान का हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ। महक शाहिद, क्वेटा। पूरे पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ बलूचिस्तान या कराची या पिशावर का नहीं हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान का हूँ। इंशाल्लाह मैं जहाँ जहाँ मुझसे होगा, मेरी नीयत अगर इंसानियत की खिदमत होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा उस चीज में और मैं आपकी आने वाले नस्लों के लिए, बच्चों के लिए लाजमी काम करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह।